सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना के तहत सभी तालाबों के रखरखाव के लिए योजना चलाई गई थी। सभी तालाबों को पक्का किया जाएगा और उसके चारों तरफ नाला व पेड़ लगाए जाएंगे ताकि गांव का पानी इकट्ठा होकर तालाब में आकर साफ हो सके। वहीं करनाल के कस्बा इंद्री के गांव बासो के ग्रामीणों ने सीएम विंडो पर दी शिकायत में बताया कि गांव में एक वर्ष पहले पंचायती राज के द्वारा 1,22,00,000 का स्टेमेट बनाया गया था जिसमें तालाब के चारों तरफ स्टील की तारें लगाई जाएगी और नाले को पक्का किया जाएगा, जबकि यह नाला पहले पंचायत के द्वारा बनाया गया था और चारों तरफ नाला टूटा हुआ है। पंचायत विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलीभगत करके लाखों रुपए की हेराफेरी की है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि तालाब के ऊपर जो पैसा खर्च किया गया उसकी उच्च स्तरीय से जाँच की जाए। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मैं गुरदयाल नंबरदार वासी हूँ। मैंने एक आरटीआई मांगी थी अमृत सरोवर जो जोड़ के तहत ये सरकार काम करवा रही। मैंने इसकी आरटीआई मांगी। आरटीआई के तहत मुसना मेटते दिखाया 1,22,00,000। मैंने तो एक बहुत समझाया भाई इतना रुपया इसमें जो नहीं नाले थे वो पहली बने थे पंचायत के द्वारा की पहली बनी थी। जो है माटी लाई थी भी सारी टूट ये दिखाई दी आपने। ये खंभे लाए जो है सारे टूटे पड़े। इसमें सिल्वर की तारा दिखा रही देख लो कौन सी सिल्वर की तारा लग रही। घाटा वो पहले बनया था ये बीच बीच में बनाया था थोड़ा 1,22,00,000 का दिया लाए दिया ना। ये सरकार के जी मैंने देखा भी इतने गदला तो मैंने बहुत चंग होया। तो मैंने फिर ये चीफ मिनटो में दरखास्त लाई। चीफ मिनटो में मैंने 19 तारीख में दरखास्त लाई थी जी। 19 तारीख तक यहाँ थोड़ी कोई बन गया इसकी कोई सुनाई नहीं हुई भाई। आपने दरखास्त लाई थी भाई आपकी कोई मैं कि बुलाया वो पूछो मेरे से। हाँ थोड़ी कोई अधिकारी नहीं आया मेरे पास। सब अधिकारी ने अपनी जेब बंपर रखी और कोई वो नहीं आया। मैं तो इसमें जी सारी घोटाला घोटाला इसमें तो 5-4 लाख का तो मैं कंधा नहीं भी लग गया इसमें। केबीसी तो मट्टी लाने में उन्हें तो इसमें तो बाहर मट्टी दिखा रहेगी बाहर एक भी ट्रेली गई होगी नहीं। यही तो जो यही की मट्टी यही लाई थी। यहाँ से जो मट्टी एक टोकरी बाहर गई जो जो मर्जी मेरे पे चट्टी लाई जो अर्जाना लाई मेरे पास। तो अब क्या मांग करते हैं यू सुखा जोर था लेकिन मट्टी मट्टी लाई इसमें कोई पानी नहीं काटा ना कोई इसमें गंद काटा उन गंद भी दिखा रहेगा इसमें काटा इसमें तो मट्टी बढ़ोई दिखा रहेगी इसमें सीवर की तारा दिखा रहेगी इसमें जो कुछ भी है कुछ भी नहीं है देख लिखा रहे सामने। इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ किसकी कमी मानते हैं हम तो सरकार की कमी मान रहे हैं। सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई कार्रवाई नहीं है कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी। क्या मांग करो आप हम लोग कहेंगे इसके कोई कार्रवाई होनी चाहिए इसके इनके खिलाफ भाई इन कुछ इस बात की तो सजा मिलनी चाहिए। जो पैसा इस पर दिखाया गया वो लगना चाहिए था। मेरा नाम सोनपाल है जी। क्या मैटर है गाँव का जोड़ एक गाँव का मैटर देखा गया जी। ये पिछले साल इसकी जो है ना खुदाई हुई थी और जो इसकी मट्टी थी जी ये सारी जेसीबी के द्वारा इसी के ही चारों तरफ लगाई गई थी। तो इसमें हमें जो गांव के नंबरदार हैं उन्होंने बताया कि इसमें 1,22,00,000 का कोई खर्चा बता रहे हैं आया है लेकिन इतना खर्चा इसके पास नहीं आया है। इस पर कोई ये 8-10 लाख रुपए लगा है बाकी सारा जो पैसा है वो जो भी ठेकेदार थे वो खा गए हैं। मेरी तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि उनको इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो इसका पैसा यहाँ से दिखाया है वो इस पे पूरे मरम्मत के लिए लगाया जाए जिस वजह से ये जो टूटी फूटी है ये खंबे टूट रहे हैं इनकी मरम्मत हो सके। तो जांच पूरे मामले की हाँ जी जांच होनी चाहिए जी पूरे मामले की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। तो कितना इसमें पैसा लगा इसमें जो पैसा बताया जी वो 1,22,00,000 बता रहे हैं लगा है लेकिन इतना नहीं लगा सर। आपका नाम क्या है जी? राहुल जी। गाँव बादशाह। अच्छा हाँ जी बताइए जोड़ वाला मैटर नाले के ये जो है ना जो नाले पहले थे ना उनके अलावा अपना नाला बना कर जो है ना सारा बेकार हो गए पानी का जो गंदा गांव का। हाँ जी तो भी सारी जगह तो टूट के नाले। हाँ जी। अच्छा ये सब जो है ना पहले पंचायत के बनाए हुए थे इन्हें जो आप उस पर प्लास्टर करके अपना दिखा के भाई हमने नाले भी बनाए कोई नाले बड़े स्तर पर घोटाला है बिल्कुल बहुत ज्यादा। हाँ जी क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी क्या मामला है जोड़ का ये जो इतना बड़ा गमन हुआ यहाँ? तो देखो जी काम तो इसमें सारा पहले होता नाले पाले पहले बन रहे थे। अच्छा बाकी 5-7 लाख रुपए लाका खा खू के पैसे इसमें। अच्छा कितना बड़ा घोटाला मान रहे आप इसमें? नाले भी
तो किसकी कमियां है? कमी किसकी जी? अधिकारियों की है, किसकी है? बस अधिकारियों की कमी है, अधिकारियों की कमी नहीं खाया जा सका। तो इसमें बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जांच बड़े स्तर। मेरा नाम सुरेश कुमार है। क्या मामला है जोड़ वाला? मामला जोड़ वाला ये है कि ये जोड़ की जो खुदाई कराने के लिए बताया गया था कि गवर्नमेंट इसको ब्रह्म सरोवर के नाम से और अच्छा बनाएगी गांव के लिए, जिसमें साफ पानी रहे, पर ये साफ की जगह ये जैसे आपने अभी देखा है इसके अंदर पूरा गंदा पानी जा रहा है। गाँव का जो नालों का पानी आता है वो इसमें अंदर जा रहा है। जो इसके ऊपर उन्होंने पैसे की कीमत दिखाई गई, हमें भी जो पता लगा है इसके अंदर, तो मैं नहीं मानता कि 5-7-10 लाख रुपया लग गया होगा ज्यादा से ज्यादा, पर उससे फालतू पैसा इस पे नहीं लगा, क्योंकि ना तो इसमें से पानी निकाला उन्होंने, ना ही इसमें से मिट्टी बाहर निकलवाई, और ना ही बाहर से ला करके जो बंद बनाया हुआ है इसमें बंद बनाया कोई। जो साइड के नाले वगैरह बता रहे हैं बनाए हमने, वो नाला पहले पंचायत के द्वारा बनाया गया था, चारों तरफ की चार दीवारी पंचायत के द्वारा बनाई गई थी। घाट हमारा टूटा हुआ था, जहां से इंट्रेस होती है पशु वगैरह की, वो घाट इन्होंने जरूर दोबारा से बनाया ईंटे लगा करके। कुछ बन रहा था, टूट रहा था, वो आधा टूट रहा था आधा बना हुआ था, तो वो दोबारा इन्होंने रिपेयर किया। बाकी मैं नहीं मानता कि इतना पैसा इसके अंदर लगा है। जो चारों तरफ से पिलर लगाए थे, ये पिलर सीमेंट के बना करके लगाए हुए टूट गए हैं। तार है जो कांटेदार तार लगाई हुई है, ये भी लोहे वाली तार है, और पहले से भी इसकी बदतर हालत हो गई है। जो पहले इसमें बैठ जाते थे, साफ पानी मिलता था, पशु वगैरह गांव के आ जाते थे पानी पीने के लिए, अभी तो इसमें पशु भी कोई लेके नहीं आता। आप देख रहे हैं इसमें पन्नी पड़ी हुई है, कचरा आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। मेरा तो यही कहना है कि इसका जो खर्चा दिखाया गया है, गवर्नमेंट ने उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करके और इसकी गहराई से तहकीकात करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कब का मामला है जी? कब खुदाई? ये लास्ट ईयर की बात है, गर्मियों में इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी पिछले साल। सर ये जो बासों का जो मामला है, गुरजल सिंह नंबरदार ने सुमिंदो पर दरखास्त लगाई है जी, गांव बासों में जो जोड़ का निर्माण हुआ उसने अधिकारी को आरोप लगाया कि इसमें ये कहा गया कि 1,22,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या कहते हैं ये जो पहली बात, तो 1,22,00,000 रुपए है, ये एक पौंड का नहीं है, चार पौंडों का है, चार तालाब है वहां पे, और जिसमें से अभी काम एक पे ही चला हुआ है, तो और तो अभी एक दो पे कब्जा है, दो पे कब्जा है, एक वो मेरे ख्याल बाहर वो उस पे भी है, कुछ कब्जा ही है ना, कब्जा ही है, एक पे कोर्ट केस है, एक को एक पॉइंट पे काम शुरू हो गया था, शुरू होने के बाद उससे कोर्ट के वो कब्जा कर रखा है लोगों ने, वो भी क्लियर नहीं है। तो बाकी जहां तक आप बता रहे थे भी कांटेदार तार वगैरह की बात जो उसने करी है, वो स्टील की बात कर रहा है, तार की स्टील की तरह नहीं होती इसमें, ये जीआई की सी होती है, जीआई की बारबेड वायर होती है, वो लगती है। एक जो नाले की बात आई है सामने, हाँ ये नाला जो है अब जो जोहड़ का प्रोजेक्ट था इसके इसमें शामिल नहीं है, ये नाला ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ 5-7-10 साल जो पुराना है, इस प्रोजेक्ट में इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी, जगह जगह से नाला भी अभी फिलहाल टूटा हुआ है, वो माइनर रिपेयर जो है वो ग्राम पंचायत से करवा देंगे, ग्राम पंचायत फंड से हो जाएगी। हाँ जी, उसको जल्दी इस पर, हाँ जी बिल्कुल, जो आरोप लगाए बिल्कुल निराधार, बिल्कुल निराधार है आरोप, इसमें अधूरी जानकारी है, बिना जानकारी के ही आरोप लगाए गए। क्या नाम है जी आपको? हुकुम सिंह। किस पद पर कार्यरत? एसडीओ पंचायती राज। जी